नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सी आई ए डेली एम सी क्यू मास्टर क्लास, जहां हम देते हैं आपको रोज़ 10 जहर क्वेश्चंस जिनका आपको आंसर देना होता है। ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो अलग अलग टॉपिक से होते हैं। आज बारी है मॉडर्न इंडिया की। 10 सवाल हम लोग देंगे आपको मॉडर्न इंडिया के। आपको वीडियो पॉज करके उन्हें सॉल्व करना है और आपके जो मार्क्स है वो हमें बताने हैं। हमारा दो वीडियो आता है, पहला 5 बजे सुबह में आता है डेली टारगेट, जहां पर बताते हैं कि आपको पूरे दिन में क्या पढ़ना है और कितने समय में पढ़ना है। यहां पर बुक्स कवर करते हैं, जो करंट अफेयर है, एमसीक्यूज है, आंसर राइटिंग है, इन सबको कवर करते हैं और एक जो ठोस शेड्यूल है वो बना के देते हैं आपको। इसके बाद दोपहर में 12 बजे आता है ये करंट अफेयर एमसीक्यूज की क्लास, जहाँ पर हम लोग और भी सब्जेक्ट के एमसीक्यूज इंक्लूड करते हैं। आज का टॉपिक है मॉडर्न इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल। कट ऑफ रहेगा 7, मतलब कि 10 में से 7 सवाल सही हैं आपके। ज़्यादा सवाल सही हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर 7 से कम होते हैं तो रिवीजन करने की ज़रूरत है। ईमानदारी से मार्क्स बताना, घालमेल नहीं करना है, ठीक है ना। चलो पहला सवाल है, न्यूज़पेपर पर जब स्ट्रगल हो रहा था इंडिपेंडेंस के लिए, तो जो न्यूज़पेपर हैं वो ओपिनियन को प्रसारित करने का एक बड़ा माध्यम थे। अमृता बाजार पत्रिका, सुधारक, वॉइस ऑफ इंडिया, इनसे जुड़ी हुई पर्सनालिटी कौन कौन सी हैं? तो जी हाँ, जो अमृता बाजार पत्रिका है इसको शुरू किया था शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने। पहला आपका यहाँ पर सही है। सुधारक, जो सुधारक है उसको शुरू किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। किन्होंने? गोपाल कृष्ण गोखले ने, न कि दादा भाई नौरोजी ने। तो आपका यहाँ पर दूसरा सन्नाटा हो गया, आपने दो काट दिया, कैंसर आ गया जी, सी वन ओनली इज द करेक्ट आंसर। जो वॉइस ऑफ इंडिया है इसको शुरू किया था दादा भाई नौरोजी ने, तो यहाँ पर इंटरचेंज किया हुआ है, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जी को गांधी जी का राजनीतिक गुरु भी कहते हैं। गांधी जी जब अफ्रीका से यहाँ पर आए, भारत में वापस लौटे थे, तो उनको कहा गया था कि पहले भारत का एक चक्कर लगा लो, यहाँ पर जो लोगों की हालत है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की हालत है वो यहाँ पर देख लो, उसके बाद अपना पॉलिटिकल एक्शन शुरू करो। ध्यान सुनिएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास पेपर्स हैं, पत्रिकाएँ हैं, उनको मैंने यहाँ पर मैंशन किया है, याद रखिएगा, ये लिख लिख के याद कर लीजिएगा इसको। केसरी और मराठा, ये तो आसान है आपके लिए, बाल गंगाधर तिलक जी महाराष्ट्र से। बंगाल सुनाद बनर्जी, और बनर्जी कहाँ रहते हैं? बंगाल में ही रहते हैं ज़्यादातर, है ना, ममता बनर्जी। अगला, इंडियन मिरर, एन एन सेन, हिंदुस्तानी एंड एडवोकेट, जी पी वर्मा, ट्रिब्यून, पंजाब में निकला था, इंदु प्रकाश, ध्यान प्रकाश कल और गुजराती, ये बॉम्बे में, सोम प्रकाश बंगनीवासी और सधारणी, ये बंगाल में। ध्यान सुनिएगा, इसमें से एक सवाल आपसे भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पत्र पत्रिकाएं एक्सट्रीमिस्ट या रिवोल्यूशनरी को प्रमोट करती थी, उनका साथ देती थी? तो आपको याद रखना है, कल ये सब जो है ना, ये पत्रिकाएं एडवोकेट करती थी एक्सट्रीमिज्म को, क्लियर बात है, गरम दल को सपोर्ट करती थी ज़्यादा। अगला सवाल है दिल्ली मैनिफेस्टो के बारे में। हुआ क्या था कि अक्टूबर 1929 में इरविन का जो डिक्लेरेशन है वो आया। क्या आया? अक्टूबर 1929 में, उसमें वायसराय थे इरविन, उन्होंने ये कहा कि 1917 का जो डिक्लेरेशन है उसका पर्पस ये है कि भारत में एक जो डोमिनियन दर्जा है वो इसको दिया जाए, सेल्फ गवर्नमेंट यहाँ पर लाई जाए। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे ही साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट सबमिट करता है, उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जैसे कि इसको लाया जाएगा, और इस कॉन्फ्रेंस में भारत के रिप्रेजेंटेटिव, ब्रिटिश गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव साथ बैठ करके डिस्कस करेंगे भारत का संवैधानिक भविष्य, क्लियर बात। तो यहाँ पर आपको बताना है एक सवाल, साइमन कमीशन कब आया था, इसमें कितने सदस्य थे और इसका चेयरपर्सन कौन था, इसका चेयरमैन कौन था, पूरा नाम बताना है। दूसरा, जैसे ही इरविन ने अपनी ये बात कही, तो उसके बाद एक जो हमारे भारतीय नेता हैं उनका एक कॉन्फ्रेंस हुआ,
उसमें एक घोषणा पत्र रिलीज किया गया। उसमें यह कहा गया कि आप जो गोल में जो सम्मेलन गठित करेंगे, आयोजित करेंगे, उसका काम ये ना हो कि हम कब देंगे डोमिनियन का दर्जा, आप उनका काम ये रहेगा कि हम कैसे देंगे, मतलब कि स्कीम क्या होगी। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये रही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस को मेजोरिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जो हैं वो भारत के सबसे बड़े जो समूह है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो दूसरी बात ये थी। और तीसरा, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, मतलब वैसे नेता जो ब्रिटिश का विरोध कर रहे थे और जिनको जेल में बंद कर दिया गया था, उनके प्रति थोड़ी सी रियायत बरती जाए, उनको छोड़ा जाए। तो ये जो दिल्ली समझौता था, ये जो घोषणा पत्र था, ये किस बारे में था? ये था डोमिनियन दर्जे के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। क्लियर बात है? तो आपका डी जो है वो सही है। यहाँ पर एक सवाल और बन सकता है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, अच्छा ऐसा बनेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इस पर किस किस डॉक्यूमेंट का इम्पैक्ट था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर किन किन डॉक्यूमेंट का इम्पैक्ट था? एक तो हो गया साइमन कमीशन का रिपोर्ट, ठीक है, दूसरा हो गया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आउटकम। इनके अलावा कई सारे बातें और थी जिनका इम्पैक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर, आप इलिमिनेट कर लेंगे इसके बाद, ठीक है ना? तो इसका आंसर क्या हो गया? डी। अगला सवाल, इंडियन नेशनल आर्मी जो पहला आइडिया था आईएनए का, वो कंसीव किया गया था मोहन सिंह जी के द्वारा, बिल्कुल सही बात है। रिक्रूट वेयर सॉट ओनली फ्रॉम इंडियन प्रिजनर ऑफ वॉर, जहां पर भी ओनली आए सचेत हो जाना है, केवल इंडियन प्रिजनर ऑफ वॉर और एक्स आर्मी में नहीं, जो सिविलियन रह रहे थे उन इलाकों में साउथ ईस्ट एशिया में भारतीय, उनको भी सेना में शामिल किया गया था। तो दूसरा गलत है। आईएनए का हेडक्वार्टर कलकत्ता में नहीं था, एक था रंगून में या बर्मा वाला, एक था सिंगापुर में। तो आपका तीसरा सन्नाटा हो गया। क्या आंसर आया जी? बी, वन ओनली इज द करेक्ट आंसर। क्या आंसर आएगा? वन ओनली इज द करेक्ट आंसर। दो थे, कहां कहां? रंगून में और सिंगापुर में। क्लियर बात है? इसका मेन पर्पस क्या था? इंडियन नेशनल आर्मी का मेन पर्पस था भारत की आजादी ब्रिटिश रूल से। इंपीरियल जापान, उस समय जापान में वहां पर सम्राट रहा करते थे, सम्राट राज किया करते थे वर्ल्ड वार टू के पहले, ठीक है ना? दो फेज में इंडियन नेशनल आर्मी को गठित किया गया। पहला था 1942 में जब इसका पहला डिवीजन बना, उसके बाद जो बोस हैं उनको बुलाया गया, उनको इसकी कमान दी गई और इससे यहाँ पर सेकेंड फेज शुरू हुआ। अगला सवाल है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में, CSP के बारे में। इट वॉज फाउंडेड बाई जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, जी हाँ दोनों संबंधित थे इससे, दोनों ने इसको फाउंड किया था। क्यों फाउंड किया था सर? जब कांग्रेस हाइये था तो कांग्रेस जो था उनकी उनकी विधियों से ये उतने समर्थ मतलब उतने संतुष्ट नहीं थे। उनका कहना ये था कि हमको जो समाजवाद है इसकी तरफ बढ़ना है, उसकी तरफ ज़्यादा जोर देना है। इट वर्कड विद इन द कांग्रेस पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी के भीतर ही रह करके काम किए और जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है उसको उन्होंने सपोर्ट किया और कहा कि स्वतंत्रता पाने के बाद हम लोग समाजवाद को इम्प्लीमेंट करेंगे भारत में। तो सेकंड यहां पर सही है। क्या आंसर हो गया? सी, बोथ वन एंड टू आर करेक्ट। क्लियर बात? इसको गठित किया गया था 1934 में। कौन कौन, अच्छा बताओ इस तरह सवाल पूछेगा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से कौन कौन लोग संबंधित थे? जेपी और मसानी तो आपने देख लिया, इसके अलावा आचार्य नरेंद्र देव ये भी संबंधित थे इससे, याद रहेगा? ठीक है, ये बातें हो गई, चलिए सब बातें बता दी यहाँ पे। अगला सवाल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में, इसके प्रावधानों पर सवाल पूछा गया है। क्या इसने एक ऑल इंडिया फेडरेशन प्रॉमिस किया था? बिल्कुल सही बात है। जो यूनियन है, जैसे कि भारत एक क्या है, फेडरेशन है, फेडरेशन ऑफ स्टेट एंड सेंटर, है ना, उसी तरह से एक फेडरेशन बनाया जाता। देखो भारत जो था
वो दो भागों में बटा हुआ था। एक था ब्रिटिश इंडिया, जहां पर ब्रिटिश सीधा शासन करते थे। दूसरा था प्रिंसली स्टेट, मतलब कि रजवाड़े, जहां पर राजा महाराजा शासन किया करते थे। तो ब्रिटिश इंडिया के जो प्रोविंसेस हैं और प्रिंसली स्टेट, प्रोविंसेस मतलब राज्य, प्रोविंसेस मतलब प्रोविंस, मतलब कि आज के राज्य एक तरह से, ठीक है ना, PRVINCE, प्रोविंस, ठीक है ना। तो जो राज्य हैं और जो रजवाड़े हैं, दोनों का एक जो यूनियन है, फेडरेशन है, वो बनाया जाता पहला, बिल्कुल सही है। प्रोविंस लेवल पर डायरकी को अबॉलिश कर दिया गया था और केंद्र लेवल पर डायरकी ला दी गई। ध्यान सुनिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंतर्गत जो प्रोविंस है, यहां पर द्वैध शासन डायरकी लाई गई थी। 1935 वाला जो कानून है ना, इसके अंतर्गत प्रोविंस में डायरकी खत्म कर दी गई और केंद्र में डायरकी आ गई। डायरकी क्या होता है सर? डायरकी पर हमने एक वीडियो बनाया है डुअल गवर्नमेंट पर, उसको सर्च कीजिएगा हमारे चैनल पे जाकर के, आपको आपको वीडियो मिल जाएगा। वैसे सुन लो, डायरकी का मतलब ये होता है कि केंद्र पर दो तरह की सरकारें होंगी। पहला होगा इलेक्टेड, मतलब कि जो लोग चुन करके आएंगे, दूसरे होंगे ऑफिशियल, ठीक है, मतलब कि जो नॉन इलेक्टेड होंगे उनके एडवाइस पर सरकार काम करेगी। तो दूसरा, जैसे कि अभी देखो, अभी हमारे यहाँ क्या है, अभी हमारे यहाँ केंद्र में राष्ट्रपति होता है, वो काम करता है मंत्रिमंडल के एडवाइस पर। मंत्रिमंडल इलेक्टेड होता है, निर्वाचित होता है ना, मंत्रिमंडल जो चुन करके आते हैं। अगर राष्ट्रपति काम करे दो ग्रुप के एडवाइस पर, एक हो जाए मंत्रिमंडल जो कि है इलेक्टेड, दूसरा हो जाए ब्यूरोक्रेट, सिविल सर्वेंट, जो है नॉन इलेक्टेड, तो उसको हम कहेंगे डायरकी, द्वैध शासन, याद रहेगा, ठीक है। चलिए अगला, जो बचा खुचा पावर था वो दिया गया था वायसराय को। यहां पर थर्ड भी सही है, तो इसका आंसर क्या हो गया, D 1 2 एंड 3 आर करेक्ट। जो आरबीआई है, जो आरबीआई है वो भी इसी कानून के तहत गठित किया गया था। जो फेडरल लेजिस्लेचर है, मतलब कि उस समय का पार्लियामेंट है, वो बनाया गया था, जहां पर जो रजवाड़ों के प्रतिनिधि होंगे वो सीधे राजाओं के द्वारा अपॉइंट किए जाते। क्लियर बात है? मगर केंद्र में जो फेडरेशन है वो नहीं आ पाया, क्योंकि प्रिंसली स्टेट ने बोला कि हम ज्वाइन नहीं करेंगे। रजवाड़ों ने क्या बोला कि हम आपका फेडरेशन ज्वाइन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे सर? क्योंकि रजवाड़ों को लग रहा था कि हम पर जो पैरामाउंटेसी है वो हट जाएगी, मगर ब्रिटिश ने हटाई नहीं, इसी कारण से उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। बोले कि फायदा ही क्या है फिर फेडरेशन में आने का, आप अपना अलग राज करेंगे। सर पैरामाउंटेसी क्या होता है? पैरामाउंटेसी का मतलब ये होता है कि भारत के जो रजवाड़े हैं उस पर ब्रिटिश जो रानी है उसका हुकूमत होगा, ब्रिटिश क्राउन का हुकूमत होगा। समझ गए बात? ठीक है, तो यहां पर प्रोविंस में ऑटोनॉमी आ गई, काउंसिल ऑफ इंडिया को अबॉलिश कर दिया गया, वायसराय और गवर्नर को अब भी ब्रिटिश गवर्नर, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था वो अपॉइंट किया करता था। 6 राज्यों में बाइकैमरलिज्म को अपॉइंट किया गया, मतलब प्रोवाइड किया गया, मतलब वहां पर दो सदन होंगे। कौन कौन सा? बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, आसाम और यूपी। आज भी यूपी में दो सदन हैं, बिहार में दो सदन है ना। चलो ये बातें हो गई। एक बात और, जिस तरह से आज यूपीएससी है उसी तरह से फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया था, जिस तरह से हमारे यहाँ स्टेट पीसेस होता है वैसे ही वहाँ पर प्रोविंशियल वाला बनाया गया था, और एक जेपीएससी भी बनाई गई थी। एक फेडरल कोड बनाया गया था 1937 में इसी कानून के अंतर्गत। क्रिप्स मिशन प्रपोजल 1941, क्या इन्होंने पंजाब का डिमांड एकदम रिजेक्ट कर दिया? नहीं, क्रिप्स मिशन ने ये कहा कि युद्ध के बाद हम एक संविधान बनाने के लिए संस्था बनाएंगे, मतलब कि जो होता है ना कंस्टिट्यूंट असेंबली, वो बनाएंगे, वो जो संविधान बनाएगी वो इंप्लीमेंट किया जाएगा। मगर जो लोग, जो ग्रुप इस संविधान को नहीं मानना चाहता है वो अपना अलग संविधान बना सकता है। मतलब कि यहाँ पर पाकिस्तान की डिमांड को इनडायरेक्ट तरीके से हाँ बोला गया कि अगर मुस्लिम चाहें तो अपना एक अलग संविधान बना सकते हैं। तो इन्होंने पाकिस्तान के डिमांड को सीधे रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि समर्थन दे दिया अपना कि तुम अपना अलग संविधान बना देना। वो बदमाश थे एकदम, ठीक है।
इन्होंने क्या बोला कि संविधान सभा हम लोग बनाएंगे सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो आपका सेकंड सही है, यहाँ पे बी टू ओनली इज द करेक्ट आंसर। क्लियर बात, ठीक है। जो क्रिप्स मिशन है वो 1941 में क्यों आया था, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर में भारत का समर्थन चाहिए था ब्रिटेन को। इसको हेड किया था स्टैफर्ड क्रिप्स ने, किन्होंने किया था, स्टैफर्ड क्रिप्स ने। अगला, जो कांग्रेस है वो इनकी डिमांड से संतुष्ट नहीं थे। कांग्रेस ने कहा कि हमको डोमिनियन का दर्जा मत दो, अब हमको आज़ादी चाहिए। दूसरी बात, जो वो रजवाड़े हैं ना, उनको चुन करके महाराजा ना भेजे बल्कि जनता भेजे। क्या भेजे, जनता चुन करके भेजे। और तीसरा, आप भारत के पार्टीशन का रास्ता खोल रहे हैं अलग संविधान गारंटी करके, ये तो सही बात नहीं है, ठीक है। अगला सवाल है 37 का जो इलेक्शन था उसके बारे में, क्या केवल प्रोविंस में ही इलेक्शन हुए थे? बिल्कुल सही बात है, फेडरल लेवल पर इलेक्शन नहीं हुआ था, मतलब कि केंद्र सरकार के लिए चुनाव नहीं हुआ था क्योंकि फेडरेशन बना ही नहीं था और 1935 का जो कानून है वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, तो केवल प्रोविंस में ही चुनाव हुए थे। पता है ना, प्रोविंस ब्रिटिश इंडिया का पार्ट है, रजवाड़े नहीं हैं। पहला आपका सही है। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज वेयर फॉर्म्ड इन ऑल द प्रोविंस एक्सेप्ट बंगाल एंड पंजाब, ये बात यहाँ पर गलत है, ध्यान सुनिएगा। 6 प्रोविंस में कांग्रेस की जो मंत्रालय है वो बना था, मद्रास, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंस, उड़ीसा, बिहार एंड यूपी। कांग्रेस के मंत्रालय उसके बाद आसाम और NWFP में भी बनाए गए थे। नॉन कांग्रेस मिनिस्ट्री बनाई गई थी बंगाल में और पंजाब में और सिंध में, ठीक है। तो ये बातें हो गई इसके बारे में। तो बंगाल और पंजाब यहां तो सरकार नहीं बनी, सिंध में भी सरकार नहीं बनी थी कांग्रेस की, तो यहां पर एक्सेप्ट मतलब बंगाल और पंजाब कह दिया ना, तो सिंध भी यहां पर आना चाहिए था, ठीक है। यहां पर ऑल बोल करके गलत हो गया, क्योंकि ऑल कह दिया आपने तो आपने सिंध को इंक्लूड कर लिया। अच्छा, यहां पर ओनली नहीं भी लिखा है ना, तब भी गलत है, क्योंकि यहां पर आपने ऑल लिख दिया है, एक्सेप्ट बंगाल एंड पंजाब, ऑल मतलब कि आपने सिंध को इंक्लूड कर लिया जो कि सिंध तो नहीं था, सिंध में कांग्रेस सरकार नहीं बनी थी, तो दूसरा गलत हो गया, पहला वन ओनली इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कम्युनिकेशन का जो विकास हुआ 19th सेंचुरी में उसके बारे में, रेलवे वेयर प्राइमरली लेड टू प्रमोट लिंकेज ऑफ बैकवर्ड रीजन, नहीं, बैकवर्ड रीजन को जोड़ने के लिए नहीं, सेना को भेजने के लिए, रॉ मटेरियल लाने के लिए और जो माल ब्रिटेन से आ रहा है उसको भारत के मार्केट में भेजने के लिए ये रेलवे बिछाए गए थे। तो पहला गलत हो गया आपका, पहला गलत मतलब क्या, ए काट दिया, सी काट दिया, डी काट दिया, क्या आंसर आ गया जी, बी आ गया, मुझे देखना पड़ा क्या, नहीं। पोस्टल स्टैम्प को शुरू किया था भारत में डलहौजी ने, बात बिल्कुल सही है। पहला टेलीग्राफ लाइन कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच में स्टैब्लिश किया गया था, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, इसलिए आपका आंसर क्या आ गया, 2 और 3 जो है वो सही है। पहला पोस्ट ऑफिस बनाया गया था 1837 में, 1837 में, क्लियर बात है, ठीक है। जो टेलीग्राफ सर्विसेज है वो शुरू की गई थी 1850 में, पहला लगाया गया था कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच। ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस, इनका क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या उनका ऑब्जेक्टिव था पॉलिटिकल एक्टिविटी को शुरू करना और जो डिमांड है संवैधानिक बदलाव की भारतीय रजवाड़ों में उसको रेज करना, जी हाँ बिल्कुल ये बात सही है। क्या इसका हेडक्वार्टर था लखनऊ में, नहीं, इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में नहीं था, इसका हेडक्वार्टर था बॉम्बे में, कहाँ था, बॉम्बे में। तो पहला आपका सही है, दूसरा गलत है, एक बार सुनना, कांग्रेस शुरू शुरू में रजवाड़ों में इंटरफेयर नहीं किया करता था, मतलब रजवाड़ों में ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कोई आंदोलन हो उसको उतना सपोर्ट नहीं किया करता था, बाद में उन्होंने अपना ये रुख बदला और कहा कि रजवाड़े भी भारत का हिस्सा हैं, वहाँ पर जो आंदोलन होगा उसको भी अपना समर्थन देंगे, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो भारत के राजा महाराजा हैं वो हटें, अब वो संवैधानिक पद ले लें बस,
और जो सत्ता है वो जनता के हाथ में दें, संवैधानिक बदलाव करें भारतीय रजवाड़ों में, प्रिंसिपली स्टेट में। ठीक है, क्या आंसर हो गया? ए वन ओनली इज द करेक्ट आंसर। ये एक नेशनल लेवल बॉडी था जिससे जुड़े हुए थे बलवंत राय मेहता, मणिक लाल कोठारी और जी आर अभ्यंकर। क्लियर बात है, ये कांग्रेस के द्वारा फॉर्म नहीं किया गया था, ये एक स्वतंत्र संस्थान था, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल था लोक हितवादी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ये हैं गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख जी महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक थे, वो जज के पद पर भी नियुक्त किए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। उन्होंने ज्ञान प्रकाश, इंदु प्रकाश और जो लोक हितवादी पीरियडिकल है उनको उन्होंने शुरू किया। याद है इंदु प्रकाश अभी आया था महाराष्ट्र वाला में, है ना? तो इंदु प्रकाश, ज्ञान प्रकाश और लोक हितवादी कहाँ पर थे पत्रिकाएं? महाराष्ट्र में। आपको बताना है कि बंगाल से निकली हुई पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर दो है आपके लिए। प्लस तीसरा नंबर क्वेश्चन ये है कि जो एक्सट्रीमिस्ट को सपोर्ट करने वाली पत्रिकाएं हैं वो कौन सी हैं। अगर आपने स्पेक्ट्रम किताब पढ़ी है, एक्सट्रीमिस्ट वाला चैप्टर पढ़ा है, तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। तीनों का आंसर देखते हैं कौन दे पाता है। ठीक है, तो ये हुए हमारे 10 सवाल, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए बताइएगा। तो यहाँ पर आपके लिए दो वीडियो रोज आता है, पता ही है आपको। आपको अगर वीडियो से फ़ायदा होता है तो इसको स्प्रेड कीजिए, फैला दीजिए एकदम जहाँ पर भी हो सके, जहाँ पर आपकी पहुँच हो। हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।